इसी के साथ अब हमारा अगला चरण है। सभी लर्नर्स और व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 1960 के अपने सायंकालीन महाविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम आदि शुरू करने का सुझाव दिया। दूरस्थ शिक्षा का सबसे शुरुआती तरीका पत्राचार के माध्यम से शिक्षा था। पड़ोसी विद्यालय के विचार की वकालत भारतीय शिक्षा आयोग 1964-1966 द्वारा की गई। इसे कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई 1968 की राष्ट्रीय शिक्षण नीति में शिक्षकों को पर्याप्त वेतन और पाठ्यक्रमी स्वतंत्रता की बात कही गई है। 1968 के राष्ट्रीय शिक्षण नीति में यह भी कहा गया है कि शिक्षकों की भर्ती करने की प्रणाली में इस प्रकार परिवर्तन किया जाएगा कि उनका चयन उनकी योग्यता के आधार पर व्यक्ति निरपेक्ष रूप से और उनके कार्य की अपेक्षाओं के अनुरूप हो सके। शिक्षकों का वेतन और सेवा की शर्तें उनके सामाजिक और व्यावसायिक दायित्वों के अनुरूप हों और ऐसी हों जिससे प्रतिभाशाली व्यक्ति शिक्षक व्यवसाय की ओर आकृष्ट हो। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1969 में शिक्षकों के लिए कहा गया है कि शिक्षकों का वेतन और सेवा की शर्तें उनके सामाजिक और व्यावसायिक दायित्व के रूप में अनुरूप हों और ऐसी हों जिनसे प्रतिभाशाली व्यक्ति शिक्षक व्यवसाय की ओर आकृष्ट हों। 1979 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पब्लिक स्कूल के बारे में उपयुक्त अनुपात को मध्यम वर्ग और गरीब छात्रों के दाखिले के लिए बनाए रखा जाना चाहिए की भी सिफारिश की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 के अनुसार पब्लिक स्कूल का सामान्य स्कूल से एकीकरण, तकनीकी शिक्षा पर बल और प्राथमिक शिक्षा को प्रथम, प्रौढ़ शिक्षा को द्वितीय और माध्यमिक शिक्षा को तृतीय प्राथमिकता क्रम में रखकर शिक्षा का विकास किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986 के तहत स्कूलों में खेल और शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत योग शिक्षा को शामिल किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शरीर और मन के समेकित विकास के साधन के रूप में योग शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। सभी विद्यालयों में योग की शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रयास किए जाएंगे और इस दृष्टि से शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में योग की शिक्षा भी सम्मिलित की जाएगी। एक प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज की ओर नामक प्रतिवेदन को आचार्य राममूर्ति प्रतिवेदन के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य राममूर्ति 22 जनवरी 1993 से 20 मई 2010 तक रहे गांधीवादी शिक्षाविद और समाजसेवी थे। वे जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे। आचार्य राममूर्ति की अगुवाई में 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुधार के लिए कमेटी का गठन किया गया था। आचार्य राममूर्ति समिति ने अपनी रिपोर्ट में शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की सिफारिशें की थी। लर्निंग विदाउट बर्डन
के नाम से प्रकाशित प्रतिवेदन के प्रस्तुतकर्ता प्रोफेसर यशपाल थे। यशपाल समिति 1992-93 में गठित की गई थी तथा इसकी रिपोर्ट जुलाई 1993 में सरकार को सौंपी गई थी। यशपाल कमेटी की रिपोर्ट 1993 का नाम बिना बोझ के शिक्षण है, जिसका मुख्य कार्य विद्यालयी बच्चों पर से शैक्षिक बोझ को कम करने के उपाय सुझाना था। शिक्षण बिना बोझ के रिपोर्ट की रोशनी में ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का निर्माण किया गया।